क्योंकि हम सबकी तो लालच हो सकता है। मुख्यमंत्री जी अंत में कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, हमको भी और सामने बैठे लोग, हमको तो अपनी पीढ़ी की नहीं अपनी अगली पीढ़ियों की भी चिंता है। उस चिंता में रात दिन लगे रहते हैं और इस जुगाड़ में रहते हैं कि कई पीढ़ियों का जुगाड़ कर जाए, हमारी मानसिकता है। सबसे वही अनुरोध, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ उन्हें सम्मानित करें, समस्त जितने भी लोग यहां बैठे हैं। श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, देखिए मैं आज कोई मांग नहीं रखूंगा, सबने मांग रखी है। देखिए मांगने से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के जो लोग किया है तो उनका धन्यवाद भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी, आपने पिछले 7 सालों में, देखिए मुझे आपसे पहले कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला है। चौधरी भजनलाल जी को भी मैंने मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी मैंने मंत्री के रूप में काम किया है, ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी मैंने बीजेपी के विधायक दल के नेता के रूप में काम किया है, और भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, विधानसभा का सदस्य था, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है, और फरीदाबाद ने सबका साथ दिया है, और आपके साथ तो मैं काम कर ही रहा हूं। कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता जो हरियाणा का रहा है कि फरीदाबाद के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तमाम विधायक उनके जीतते थे, सांसद उनके जीतते थे, निगम में पार्षद उनके जीतते थे, फरीदाबाद के लोगों ने सबको दिया, लेकिन उन्होंने फरीदाबाद को कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं दिया। और कोई पत्रकार बैठे हैं आपके माध्यम से, कभी कोई बहस करना चाहे तो आ सकता है खुले मंच कि मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद के लिए मोदी जी ने क्या दिया है, अरुण मुख्यमंत्रियों ने क्या दिया था। सड़कों पे चलते थे तो टूटती हुई सड़कें मिलती थी, पार्क उजड़े हुए मिलते थे, बिजली 24 घंटे में गांवों में 8-7-9 घंटे आती थी, नहर पार आने के लिए खेड़ी पुल और ये बल्लभगढ़ का पुल होता था, घंटों घंटों जाम लगता था। मित्रों मैं इसलिए बता रहा हूं इन बातों को कि जो किया है, मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, सारी बातें बताऊंगा तो दिन निकल जाएगा, पूरी बातें हो नहीं पाएंगी। आज दर्जनों पुल बन गए, यूनिवर्सिटी आपने दी, हर विधानसभा क्षेत्र में महिला कॉलेज महिला महाविद्यालय आपने दिया। और मुख्यमंत्री जी, मैं तो गांव गांव घूमता था, गली गली जाता था, गांव की जितनी फिरनियां होती थी, ईमानदारी से अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ, कोई फिरनी भी चलने लायक होती थी, घुटने घुटने पानी होता था, इन तिगाम की फिरनियों में भी यही हालत होती थी, ये हालत थी। मझावली का पुल लेट जरूर हुआ है, लेकिन इतना लेट नहीं हुआ जितना कांग्रेस ने 30 साल पहले शिलान्यास किया था, 30 साल तक भी बना नहीं पाए थे। आज फरीदाबाद का हाईवे देखो, पलवल का एलिवेटेड देखो, हर जगह एलिवेटेड पुल देखो, अब और एक नया नेशनल हाईवे दिल्ली से फरीदाबाद, बड़ौदा और बॉम्बे के लिए, फरीदाबाद के लिए। ऐसा देश में कोई शहर नहीं है जिसके दो दो तरफ से नेशनल हाईवे निकलते हो, वो आपने मुख्यमंत्री जी दिया। और अभी गुड़गांव का विकास इसलिए हुआ कि वहां दिल्ली का एयरपोर्ट नजदीक था, आपने वो कसर भी पूरी कर दी। अब जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए भी आपने 4,000 करोड़ की लागत से नया नेशनल हाईवे सेक्टर 65 से सीधा जेवर आधा घंटे में फरीदाबाद के लोग पहुंचेंगे। और आप विकास देखना, फरीदाबाद का एयरपोर्ट आने के बाद 2 साल के बाद कैसे विकास होता है। फरीदाबाद के लिए मेट्रो आपने दी, फरीदाबाद को कमिश्नरी आपने बनाया, फरीदाबाद को FMDA आपने बनाया, और FMDA बनाया नहीं, सारे हमारे विधायक बैठे हैं,
पहले क्या होता था, ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड निकाल लो। जो हमारे बिल्डर थे यहां पर, आज जो सुविधाएं नहीं मिल रही नहर पार के कॉलोनियों को, वो इसलिए नहीं मिलती थी, ईडीसी का जितना पैसा इन बिल्डरों ने विकास के लिए जमा कराया था, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में उस ईडीसी के पैसे को दूसरे जिलों में जाकर लगाया गया, कभी मेट्रो में लगा दिया, कभी दूसरे जिले के दिया, किसी बोर्ड को दे दिया। लेकिन ये पहला मुख्यमंत्री, और मैं अपने विधायकों को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने जो फरीदाबाद का एफएमडीए बनाया, फरीदाबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसमें कानून में बिल लाकर एक प्रावधान कर दिया, पहली बार कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, लेकिन फरीदाबाद के ईडीसी के पैसे को अब फरीदाबाद से कोई ले नहीं जाएगा, ऐसा कानून मुख्यमंत्री जी आपने बना दिया। ये नियत की और नीति की बात है, ये आपने करके दिखाया है। मैं किस किस की बात करूं, क्या हालत थी, बिजली जाती ज्यादा थी आती कम थी, शहर में और गांव में भेदभाव होता था, शहर में 18 20 24 घंटे बिजली मिलती थी, और गांव के आदमी क्या वो इंसान नहीं थे। लेकिन उनको पूरी रात बिजली नहीं आती थी, बच्चों को मच्छर खाते थे। लेकिन इस जो भेदभाव था कि शहर में 24 घंटे बिजली, गांव में 8 और 10 घंटे बिजली, आपने उस भेदभाव को भी समाप्त किया, और शहर के बराबर बिजली आपने गांवों को भी दी, जो कोई नहीं कर पाया। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं, जो किया है उसका गुणगान करो। क्या किया था, 14 लाख 16 लाख में किसानों की जमीनों को लूट लिया। आज जो कांग्रेस किसानों की बात करती है, जवाब देगी इस बात का, न अपील थी न दलील थी, अवार्ड कर दिया सेक्शन 4-6 और लगाए जमीन अर्जित कर ली, किसान चिल्लाता रहता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मोदी जी ने और आपने आने के बाद ये कानून बना दिया, 7 साल से ज्यादा समय हो गया, आपने ये कानून बना दिया, किसान से जमीन बैठ कर सौदा करेंगे, किसान अगर राजी होगा तो जमीन लेंगे, नहीं होगा तो किसान की जमीन को जबरदस्ती एक्वायर नहीं करेंगे। 7 साल में एक भी किसान की जमीन को आपने उसकी मर्जी के बगैर धक्के से एक्वायर नहीं किया। जो पिछली सरकार ने की उनको लौटा भी दिया आपने, और आपने अगर जरूरी हुई तो बैठ के सौदा किया। बादशाहपुर में आपने एसटीपी के लिए जमीन खरीदी मुख्यमंत्री जी, जो 14 लाख और 16 लाख में एक बार करते थे, आपने 3 करोड़ रुपया एकड़ इसी बादशाहपुर में, टिकावली बादशाहपुर में एसटीपी के लिए जमीन खरीदी 3 करोड़ रुपया एकड़। किसानों के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बयान देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काम करना बहुत कठिन है, और वो कठिन काम मुख्यमंत्री जी आपने और मोदी जी ने करके दिखाया है। तो इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ऐसी अनेक बातें हैं, मैं सबकी चर्चा करूंगा, कामों की तो बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी और मेरे भाई और बहनों, ये फरीदाबाद के लोगों का हम बहुत एहसान बंद है, इन लोगों का जो यहां बैठे हैं, तिगांव के आसपास के सारे जिले से आए हुए लोग। इस फरीदाबाद में तिगांव क्षेत्र में जब मेवला महाराजपुर होता था, 87 में भी जब चौधरी देवीलाल और बीजेपी का तूफान चल रहा था, तब भी कैंडिडेट यहां जमानत नहीं बचा पाया था, 5000 वोट आई थी, जब 90 में से 85 सीटें बीजेपी और चौधरी देवीलाल की आई थी। लेकिन मैं आज आपके सामने इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा, उनसे उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा, पिछले 20-25 साल के उनके अथक मेहनत से आज इस क्षेत्र का कोई घर नहीं है जहां कमल नहीं खिलता हो, जहां कमल की खेती नहीं होती हो, ये क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को फल जाता है। आज यह कमल की खेती लहरा रही है,
ये कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम है। असली ताकत तो ये है हमारी, और हमारे पास जो कुछ भी है सब इनका दिया हुआ है। मित्रों, आज मोदी जी के पास ताकत है तो आपकी दी हुई है, मनोहर जी के पास ताकत है तो आपकी दी हुई है, मेरे पास और मेरे साथी विधायकों के पास ताकत है तो वो आपकी दी हुई है। उस ताकत से हम आपको देने के काबिल हुए। मुख्यमंत्री जी, मांग पत्र में कुछ कमाऊंगा नहीं आपसे, आपने इतना कुछ दिया है। और आपको भी कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड निकाल लेना, 40 साल का कह रहा हूं, नहीं वरना वो लोग राजनीति से संन्यास ले लें जो कहते हैं कुछ नहीं दिया। वरना मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा जितना इन 7 सालों में मोदी और मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद के लिए दिया है, पिछले 40 सालों में किसी सरकार ने नहीं दिया। मित्रों, सरकार आ जाए बहस कर ले, और हर चीज का प्रमाण है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबके सामने है। फरीदाबाद की क्या दुर्दशा होती थी, किसानों की फसल, जमीन का पैसा तो देते ही नहीं थे, अगर फसल भी बर्बाद होगी तो उसका मुआवजा भी नहीं देते थे। मैं तो विधानसभा में होता था, 50-50 रुपए के चेक लहराए जाते थे। मैं आज उन तमाम बातों पे नहीं जाना चाहता, ना 370 पे, ना राम मंदिर पे, ना उस पे। और हम सबको ये गर्व करना चाहिए, आपको भी और मंच पे बैठे हुए लोगों को, कि आज हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व मोदी जी के रूप में हमारे पास है, जिसने पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अभी आपने देखा होगा पूरी दुनिया के नेताओं का सर्वे हुआ। हमको इस बात का गर्व होता है कि पूरी दुनिया के जब उस सर्वे में सबसे लोकप्रिय नेता पूरी दुनिया को किसको चुना गया, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया। मुख्यमंत्री जी, दूसरा गर्व हमको इस बात का होता है, अंत में बात कहकर समाप्त कर रहा हूं, कि हमको हरियाणा में मनोहर लाल जी के रूप में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके ऊपर अपने तो छोड़ो विरोधी भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मित्रों, नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको इस बात का गर्व है। हमको प्रदेश में भी और देश में भी ईमानदार और लोकप्रिय नेता मिला है जिसका मकसद ही लोगों का कल्याण करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं, देखिए हम सबकी तो लालच हो सकता है, मुख्यमंत्री जी अंत में कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, हमको भी और सामने बैठे लोग, हमको तो अपनी पीढ़ी की नहीं अपनी अगली पीढ़ियों की भी चिंता है। उस चिंता में रात दिन लगे रहते हैं और इस जुगाड़ में रहते हैं कि कई पीढ़ियों का जुगाड़ कर जाए, हमारी मानसिकता है। लेकिन मोदी जी मनोहर जी के पास तो किसी की चिंता करने का कोई सौदा ही नहीं है, और वो इसलिए वो चिंता करते हैं, इसलिए मोदी जी कहते हैं इस देश के 135 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मनोहर लाल जी कहते हैं हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमको तो इन्हीं की चिंता करना है, इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है। मिलेगा ऐसा नेतृत्व नहीं जो तुम्हारे लिए सोचते हो, अपनों के लिए सोचने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। तो मित्रों, मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए, जरा अकेले में हो तो छाती पर हाथ रख के बताना मोदी और मनोहर जी ने देश और प्रदेश के लिए क्या किया, और जिन्होंने 50-60 साल राज किया उन्होंने क्या दिया देश और प्रदेश को और फरीदाबाद को। मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं, कोई मांग नहीं रखूंगा, क्योंकि बगैर मांगे आपने बहुत दिया है, फरीदाबाद से आपका विशेष लगाव है, बहुत दूर है, कोई नहीं, मैं नहीं रखूंगा कोई मांग। मुझे मालूम है जो मांगेंगे आप पहले भी दिया है, अब भी देंगे और आगे भी देंगे, लेकिन मैं तिगांव में आपने मार्केट कमेटी बनाई, तिगांव के नया कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, तिगांव को आपने ब्लॉक बनाया, तिगांव में सीवर डल रही है, तिगांव में आपने हॉस्पिटल बनाया पिछले 5-6 साल में, वहां की तमाम गलियों को बनाया,
तो आप बहुत देंगे। तिगांव की दो प्रमुख समस्याएं हैं, एक तो तिगांव में घंटों घंटों जाम लगता है, एक तो इसको बाईपास दे जाना, बाईपास बना देना तिगांव। दूसरा, तहसील तो पुराने बना गए सब तहसील तो, लेकिन उनकी नियत उस तहसील का फायदा आसपास के गांव उठाएं जो तिगांव के साथ लगते हुए दो पटवार सर्कल हैं, एक मंधावली और एक मंधावली, 10 गांव हैं, पैदल चलो तो 5 मिनट में उन गांवों में पहुंचाओगे। उन पटवार सर्कलों को यहां तहसील तिगांव के साथ लगाना था, उसको पहले मोहना फिर दयालपुर के साथ लगा गए। मुख्यमंत्री जी एक मिनट तक खत्म कर रहा हूं अपनी बात भाई। ए रघुवंशी जी मेरी बात मतलब की बात है भाई, ये 10 गांव तो मुख्यमंत्री जी अब उनको उन 10 गांव जो बिल्कुल जड़ में बसते हैं सारे 5 मिनट में पैदल पहुंच सकते हैं, चाहे बदरौला हो, भैंसरावली हो, मंधावली हो, अब उनको क्या करना पड़ता है, वहां से चलते हैं पहले बल्लभगढ़ जाना पड़ता है, बल्लभगढ़ से फिर दयालपुर जाना पड़ता है, सुविधा कोई होती नहीं। मेरा निवेदन है उन दो पटवार सर्कलों को जो तिगांव के साथ पैदल चल के जा सकते हैं उनको तिगांव तहसील के साथ जोड़ देना। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, एक बार पूरे तमाम लोगों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी तालियां आप लोगों की आ जाए ताकि